जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है, तैयारियां जोर शोर से चले हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहां पर आज मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करके गए हैं। तो हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार रहे, हालांकि इनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल कर दिया गया, सर्वेंद्र राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। मीरापुर विधानसभा सीट पर इनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, तो अब क्या समीकरण है, क्योंकि इनके द्वारा जाट समाज की पंचायत करके बड़े आरोप भी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर लगाए गए थे। इसके अलावा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लगाए गए थे। सबसे पहले तो प्रधान जी स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपने जो है समय दिया अपना कीमती। अब आप प्रत्याशी तो नहीं रहे लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह का देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव? हम पहले समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने गए थे, समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन कर रखी, वो क्या नाम जाट को टिकट ना होने का नाराजगी में हमने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। और विपक्ष की इतनी हवा खराब हुई कि उसने जो है पर्चा कैंसिल कराने का काम करा। कौन से राजनीतिक दल ने? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। सत्तारूढ़ वही तो सत्तारूढ़ है जी, जी, जी। जिसका जो है खराब काम तो वही कर सका, अच्छे काम उनके डर के क्या हिंदू वोट ये ले जाएगा और क्या नाम जो है समाजवादी कैंडिडेट जीत जाएगा। आपने जाट समाज की अभी बीते दिनों महापंचायत की थी, उसमें आपने कहा कि मीरापुर विधानसभा सीट से जो टिकट हुआ है मिथिलेश पाल जी का, वो आरएलडी का टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी का टिकट है। इसके अलावा आपने कहा कि चंदन चौहान जी को भी लोकसभा नहीं लड़ाना चाहते थे जयंत चौधरी जी, उन्होंने अमित शाह, तो उन्होंने अमित शाह से सेटिंग करके अपना टिकट कराया, आपके द्वारा ये कहा गया, तो आपको कैसे ये जानकारी लगी? हम सबसे पहले ये जब चंदन चौहान जी एमएलए का चुनाव लड़े 22 में, हम कंधे से कंधा मिलाकर रहे, साथ में तन मन की सारी बात हम आपस में कर रहे थे। फिर मैं लोकदल का टिकट मांगा, उस लोकदल से टिकट मांगा, उसका क्या नाम लोकसभा का जी बिजनौर से भी हम साथ रहे, तो लगभग सारी बातों का हमें पता सब बात की। वहाँ उज्जैन जी से उनकी क्या बात हुई, उज्जैन जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, फिर कैसे कैसे मामला जुगाड़ जुड़ गए, अमित शाह ने टिकट दिया उन्हें। तो आपका मानना है कि दो लोकसभा सीटों में से एक टिकट अमित शाह जी ने किया? बिल्कुल 100%। अब आपने जाट समाज की पंचायत की और कहा कि कसम भी खिलवाई कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो उम्मीदवार है उसको वोट नहीं करना, तो किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं मीरापुर में? ऐसा है, जाट समाज जो है, मैं तो 100% कहूंगा, 100 के 100% जो है समाजवादी के साथ रहेगा। यानी आपको लगता है कि जाट मतदाता मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा के साथ रहे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोकदल का कैंडिडेट है नहीं, कैंडिडेट तो भाजपा का, सिंबल तो आरएलडी का ही है, कोई बात नहीं। कभी कभी बच्चे भी अपने माँ बाप से नाराज हो जा, वही हालत है। अब पहले भी सपा के नेता ही आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मैं कह रहा कि समाज फिलहाल जो है लोकदल से जाट समाज बहुत ज्यादा नाराज है, और आने वाली 13 तारीख को सुंबुल राणा जी के निशान साइकिल पर बटन दबा के चिताने का काम करेगा सारा जाट समाज। तो आपने प्रधान जी को सुना, मीरापुर विधानसभा सीट से इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन भी किया था। आगे की तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।